शुरू करते हैं स्टैंडर्ड सेकंड का खेले करे और सीखे। ये बहुत मज़ेदार मजमून है। इसमें हमें हाथ धोने की अहमियत और हाथ धोने का तरीका सीखना है। देखिए 1.2 है हाथों को साफ सुथरा रखना। पहले रखे सफाई का ध्यान, बाद में करे दूसरे काम। सिर्फ हाथ धोना काफी नहीं है, सही तरीके से हाथ धोना और उसे साफ रखना भी बेहद जरूरी है। बहुत से बीमारियां हाथों से बैक्टीरिया के रूप में हमारे बॉडी यानी जिस्म में जाती है। ऐसे में इनसे बचने का एक खास तरीका है कि हम अपने हाथों में बैक्टीरिया पनपने ही न दे। बेहतर सेहत पाने का एक आसान तरीका है साफ सुथरे हाथ। हाथों में पनपने या आने वाले बैक्टीरिया को रोकने के लिए हाथों का लगातार धोना बेहद जरूरी है, और वो भी किसी ऐसी चीज से जो इन बैक्टीरिया को खत्म करती हो। आइए हाथ साफ करने के सही तरीके के बारे में जानें और अपने साथियों को भी इस बारे में सही जानकारी दें। जरूरी नहीं है कि जो हाथ साफ दिख रहे हैं वो वाकई साफ हो। साफ दिखने वाले हाथों में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ हाथ धोना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से हाथ धोना और उसे साफ रखना भी बेहद ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ पानी से हाथ धोकर सोचते हैं कि हाथ धुल गए हैं, लेकिन हाथ तभी साफ होते हैं जब उसे अच्छे से साबुन से धोया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डायरिया से हर साल 2 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है, जिनमें हर पांचवा बच्चा भारतीय होता है। लेकिन साबुन से हाथ धोकर इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। कहाँ रहते हैं बैक्टीरिया और ना दिखने वाले जरासीम? डॉक्टरों का मानना है कि आपको दिन में 5 से 10 बार हाथ धोना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया हर समय आपके इर्द गिर्द रहते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि बैक्टीरिया आपके कीबोर्ड, टेबल, मोबाइल के अलावा दरवाजे के हैंडल में भी रहते हैं। केवल पानी से दूर नहीं होते बैक्टीरिया। हाथ कब कब धोना जरूरी है? खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धो लें। पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद हाथ जरूर धो लें। छोटे बच्चों के साथ खेलने से पहले हाथ जरूर धो लें। अगर आप किसी रोगी यानी बीमार से मिलने जा रहे हो तो उसके कमरे में जाने से पहले हाथ जरूर धो लें, और घर आने के बाद भी हाथ जरूर धो लें। शौचालय या बैतुल खाला यानी टॉयलेट जाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धो लें। दिन भर में हम कई चीजों को छूते हैं, जिसके चलते हाथों में बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। अगर सिर्फ पानी में हाथों को धोया गया तो बैक्टीरिया नहीं निकलते हैं, इसलिए साबुन से हाथ धोना बेहद जरूरी है। अपने हाथों में सिर्फ साबुन लगाकर छोड़ देने से आपके हाथ साफ नहीं हो जाते। इसके लिए आपको लगभग 40 सेकंड तक अपने हाथों, उंगलियां, नाखूनों को अच्छी तरह से साफ करना होता है। साफ तौलिया से हाथ पोछे। हाथ अच्छी तरह धोकर अपने पहने हुए कपड़ों और जेब में रखे रुमाल से पोछना सही नहीं है। इनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो गीले हाथों में चिपक जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि हाथ पोछने के लिए साफ तौलिया का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा खांसते छींकते वक्त हाथों को आगे करने के बजाय रुमाल को आगे करें। बच्चों से रोजाना हाथ धोने के बारे में पूछें। आइए हम हाथ धोने का सही तरीका सीख लेते हैं। अगर सही तरीके से हाथ नहीं धोए गए तो हाथों की गंदगी दूर नहीं होगी। बहुत से लोग गलत तरीके से हाथ धो लेते हैं और वह ऐसा समझते हैं कि उनके हाथ साफ हो गए हैं, लेकिन उनके हाथ साफ नहीं होते हैं। यहाँ
धोने का सही तरीका बताया जा रहा है, सब लोग अच्छे से सीखो। अपने हाथों को गीला करें, अपने गीले हाथों पर साबुन रगड़े, अपने हथेलियों, अपने हाथों के पिछले भाग और कलाइयों पर झाग मले, अपने हाथों को सभी तरफ अपनी उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के आसपास कम से कम 20 सेकंड तक रगड़े। अपने हाथों को पानी को चालू रखते हुए अच्छी तरह धोए। टिश्यू पेपर या टॉवल से अपने हाथों को अच्छी तरह पोंछ ले और नल फिर बंद कर दे। पहले साबुन लेना है, फिर उसे रगड़ना है, फिर उंगलियों के बीच में करना है, फिर अंगूठे को गोल घुमाना है, फिर कलाई को रगड़ना है और फिर धो लेना है। आप ये तरीके को समझ लो। साबुन और लिक्विड का इस्तेमाल करके ही हाथ धोए। सिर्फ पानी से हाथ धोने से परहेज करें। इस तरह से ये अच्छी सेहत के लिए हाथ धोने की अहमियत के बारे में ये पूरा सबक था। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे और आगे से सब लोग हाथों को साफ रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। बाय।